आज सज आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सज आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना आज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना आज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे। सजना है मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दावे। दूल्हा बन गया ओए, बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार। सेहरा सज गया ओए, सज गया जलवेदार, दुल्हनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने को तैयार। नच ले ओ, ओ नच ले ओ, ओ यारा हो, ओ मित्रा हो। तेरे द्वारे पे आई बारात, ओ तेरे द्वारे पे आई बारात। प्रेम के मोती लुटा दे नैन स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे नैन स्वागत में बिछा दे। हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं, फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाय रे तरसे दो हाथ, तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। दुख के इस संगम पे नैना है क्यों छल के छल के, सुख दुख के इस संगम पे नैना है क्यों छल के छल के। रीत बाब
बुल की निभा दे, अपनी बिटिया को विदा दे, रित बाबुल की निभा दे, प्यारी बिटिया को विदा दे, रे आशीषों के साथ लेके दुल्हन को लौटे बारात, बारात लेके दुल्हन को लौटे बारात। कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा। हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी।
कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी, कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी, खुल के कभी जो ना कहा करते से ज्यादा प्यार है, हाथों में चूड़े सज गए तेरे, गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन ना गए, ओ 16 बरस के दो कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना, जो दिल में छुपी है मेरे, जो दिल में छुपी है तेरे, धड़कन पे वो चाहत लिख दे, कहता है दिल दीवाना, धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी, शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से रहे मेरी सांसें, दिल के दर्द दिल कहते हैं कन्या को कि आप बामांग आ जाइए, लेकिन कन्या कहती है कि आपको पहले मेरे 7 वचनों को मानना होगा, तब जाके मैं आपके बामांग आऊंगी। अनुज जी एक एक वचन सुन लीजिए, हाँ तो बोलना जरूरी है, क्योंकि कन्या कहती है
तीर्थो व्रतो ध्यापन यज्ञ दाने मया सहस्त्वं यदि कर्म कुर्यात् मामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या प्रथमं कुमारी। पहला वचन जो है कन्या कहती है कि तीर्थ यात्रा आपको करनी हो, व्रत है, त्योहार है, कोई भी आपको व्रत त्योहार इत्यादि करना हो या आपको कहीं दान पुण्य इत्यादि शुभ कर्मों में पैसा व्यय करना हो तो आपको मुझे भी साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके आज के बाद मैं आपकी अर्धांगिनी होने जा रही हूँ। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य हो, तीर्थ है, व्रत है, यज्ञ है, दान है, पुण्य कार्यों में आपको मुझे भी साथ लेना पड़ेगा। कन्या का पहला वचन है, यदि आपको कहते हैं स्वीकार है तो मां मांगाती हूँ, स्वीकार है? स्वीकार। थोड़ा ताली बजाओ। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान होता है, यानी हवन इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि, और पितरों के लिए कव्य दान होता है। पितरों के लिए कव्य दान का मतलब तर्पण पिंड दान इत्यादि, यानी देवताओं के लिए हवन इत्यादि करना हो या पितरों के लिए तर्पण इत्यादि करना हो तो इन दोनों ही सहमति में आपको मेरी भी सहमति लेनी पड़ेगी, मुझे भी आपको वामांग में बिठा करके, दक्षिणांग में बिठा करके पूजन पाठ इत्यादि करना पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद मैं आपकी अर्धांगिनी होने जा रही हूँ। कन्या का दूसरा वचन है, यदि कन्या कहती है आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामांग आती हूँ, स्वीकार है जी? स्वीकार है। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि परिवार और गौ आदि पशुओं का पालन पोषण इत्यादि करना हो तो ये मेरे द्वारा ही होगा, यानी आपको गाय खरीदनी हो, पहले के ज़माने में घोड़े इत्यादि चलते थे, बैल इत्यादि चलते थे, आजकल गाड़ियाँ इत्यादि हो गई है ना, इत्यादि मतलब बहुत प्रकार की, तो गाड़ियाँ हो गई हैं, कोई गाड़ी की खरीद करनी हो, कोई बिक्री करनी हो, कौन सा कलर लेना हो, कौन सा नहीं लेना हो, आपको मुझे भी पूछना पड़ेगा। कन्या का तीसरा वचन है, कन्या कहती है यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके बामांग में आऊं। कन्या कहती है कि अन्न और धन आदि जो कुछ भी आप घर में ले आओ वो सब जो है मेरे पास में आपको रखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो कुछ आप कमा करके लाएं सब आपको मेरे हाथों में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है लक्ष्मी लक्ष्मी के पास अच्छी लगती है। पुरुष वर्ग अगर कहीं खरीदने जाएगा तो 10 का वो 100 खर्च कर देगा, लेकिन माता बहनों का ये स्वभाव होता है कि अगर 10 खर्च होने तो 5 बचा के ले आएंगी, ऐसा स्वभाव होता माताओं बहनों का। इसीलिए लक्ष्मी लक्ष्मी के पास अच्छी लगती है। आप बाहर की चीज़ें देखेंगे लेकिन जो है घर में क्या राशन है कि नहीं है, है ना, सब्जी है कि नहीं है, ये आपको मैं हर समय नहीं कहूँगी, जब मेरे पास लक्ष्मी होगी तभी तो मैं घर का खर्च करूँगी। तो कन्या कहती है जो कुछ आप कमा करके लाओगे सब आपको मेरे हाथों में रखना पड़ेगा। कन्या का चौथा वचन है, कन्या कहती है यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके मामांग आती हूँ, स्वीकार। वचन में कन्या कहती है यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं, बावली इत्यादि बनवाएंगे, यदि आपको कुछ जो है क्रय विक्रय करना हो, यानी कुछ सामान खरीदना हो या कुछ बेचना हो, प्रॉपर्टी की खरीद करनी हो या बेचनी हो, बावली बनवाना हो, कुआं बनवाना हो, तालाब बनवाना हो, यानी गर्मियों में आपको प्याऊ इत्यादि लगवाना हो तो आपको मुझे भी सहयोग में लेना पड़ेगा, मैं भी आपके सहयोग आपकी सहायता करूँगी। कन्या कहती है यानी मुझे भी आपको बताना पड़ेगा, एक एक चीज़ों का हिसाब आपको मुझे भी बताना पड़ेगा कि जो है मैं ये काम कर रहा हूँ क्या ठीक है कि नहीं है, तो मेरी भी सहमति आपको लेनी पड़ेगी। कन्या का पांचवा वचन है, कन्या कहती यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके बात स्वीकार है। छठवें वचन में कन्या कहती है देश अथवा विदेश में कोई व्यापारी वस्तुओं की खरीद और बिक्री आपको करनी हो, क्रय विक्रय इत्यादि करना हो, कोई भी किसी प्रकार का प्रबंध करना हो तो उसमें मेरी भी सलाह, मेरी भी स्वीकृति होनी चाहिए। कन्या का छठवां वचन है यदि कहती है आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामांग आती हूँ, स्वीकार है। मैं वचन सातवां वचन है, थोड़ा टफ भी है, कठिन भी है, लेकिन हाँ देख ली। कन्या कहती है
कि दूसरी स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो। बोलिए नारायण भगवान की। दूसरी स्त्री कितनी सुंदर भी क्यों न हो, आप उसका सेवन कभी नहीं करेंगे। यदि आपसे बड़ी है तो उसको माता का रूप जानना, यदि आपके बराबर है तो उसको बहन का रूप समझना, यदि आपसे छोटी है तो उसको बेटी यानी कन्या के रूप में जानना। कन्या कहती है, यदि आपको ये प्रतिज्ञा करते हैं, सात वचनों को मेरे अगर आप मानते हैं तो मैं आपके बामांग आती हूँ। स्वीकार है? स्वीकार है जी। वर महोदय के सात वचन तो जो है, कन्या के सात वचन, वरमिया बामांग जाने लगी तो वर महोदय ने कहा कि पहले आप मेरे पांच वचनों को मानिए, तब जाके जो है आप बामांग आइए। तो पांच वचन बहुत तपस्या करने के बाद उसको प्राप्त किया, इसलिए ठीक है हमारे पांच वचन है उसको आप देखिए, पांच वचन है हमारी जरूरत आपसे जन जन मानता तो रहेगी, आप उसको थोड़ा स्वीकार करोगे तब मैं अपने बामांग में करवा दूंगा। देखिए वर महोदय भी कह रहे हैं देवी का बात मान लिए, पर अपनी ही बात रखे आप, कोई जरूरत अपनी दिखा रहे हैं कि हमारी समस्या आप मिला कोई कार्य हमारा नहीं हो सकता है। गृहस्थ आश्रम मतलब कि देखिए लक्ष्मी है तो गृह लक्ष्मी की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, बिना गृह लक्ष्मी कोई कार्य नहीं हो पाता है। घर मैं घर पर जब रहूं तब आप हंसी मजाक कुछ भी कार्य करिए, जैसे कहीं मंदिर में जाना हो, कहीं घूमने टहलने जाना हो तो आप जा सकते हैं, हमारे साथ चलिए। अगर हम घर पर न रही तो सब कार्य आपको नहीं करना होगा। अगर विशेष परिस्थिति में अगर हो कोई जरूरत हो, जैसे घर के जैसे हमारे माता पिता हैं उनके जा सकती हैं, उनके साथ जा सकती हैं। अभी नहीं कि आप जो हम घर पर न रहे तो आप सब चीज़ का मन बना करके घूमते फिरते रहे, ऐसा नहीं करना होगा। समाज को देखना होगा, घर को देखना होगा, परिवार को देखना होगा, समाज के देखते हुए कोई कार्य करें तो अच्छी फल प्राप्ति मिलेगी, विश्वास अच्छा मिलेगा। ये नहीं कि हम घर पर न रहें बाहर हैं तो आप हमको यहाँ टहलना है, यहाँ घूमना है, जाना है, ये सब कार्य ये सब वर्जित है, ये सब नहीं करना होगा। हम अंग में ग्रहण करूँगा ये बताइए। हाँ कहिए भाई बंधु, हित मित्र सब साक्षी हैं और ध्रुव तारा साक्षी हैं, ध्रुव तारा ध्यान करेंगे साक्षी हैं, इन सब साक्षियों के समकक्ष में ये शुभ विवाह मंगल कार्य संपन्न हो रहा है। आप ऐसा स्वीकार करोगे, आप ऐसा कार्य अच्छा करेंगे तो मैं आप बा मांग में ग्रहण करूंगा। ये वर महोदय का दूसरा वक्त है, आप स्वीकार है। तीसरा वचन वर महोदय देखिए बहुत तपस्या की है, जैसे पार्वती जी जो है बहुत तपस्या करने के बाद में तब भोलेनाथ को प्राप्त की थी, तैसे आप बहुत तपस्या किए बेटे, बहुत तपस्या तब आप भोलेनाथ को प्राप्त किए हैं, तो इसलिए कम से कम इनका भी इनके साथ रहना है, घर परिवार साथ रहना है, तो इनके बातों का हमेशा आज्ञा पालन करना आपको। तब चित्तम वर महोदय करे देखिए हमारे चित्त के अनुसार आपका चित्त होना चाहिए, हमारे चित्त के अनुसार आपका चित्त होना चाहिए, हमारी आज्ञा को उल्लंघन कभी नहीं करना होगा। अब हम कहें कुछ करो तुम कुछ, ऐसा नहीं है। देखिए आज से हम आपका हृदय एक हो गया है, एक पत्थर की लकीर है जो साथ पूरी लगती है, एक मेन सहयोग है, आप सहयोगी हैं, गृह लक्ष्मी रहेंगी, कोई कार्य आपके बिना नहीं हो सकता है, ऐसा आप स्वीकार करोगे तब मैं आपको बामांग में ग्रहण करूंगा। चौथा वाक्य पर महोदय का है कि देवी ठीक है आपके वचनों को, हम सातों वचनों को स्वीकार किया है। चौथा वाक्य है कि चौथा वचन कहे कि देखिए किस प्रकार मुझे संतोष होगा, आप परिवार का संतोष हो, घर के वही कार्य आपको करना होगा। जैसे कि हमारे घर पर कोई भाई बंधु आ जाए उसका आदर सत्कार आपको करना होगा, कोई हमारे घर पर जैसे हित मित आ जाए, जैसे भैया अनु जी नहीं है तो आपका सम्मान आपको देना होगा, तो वो लोग जाएंगे ही कहेंगे ठीक है अनुज भाई के यहाँ गए थे, वो तो नहीं तो उनके धर्म पत्नी थी, अच्छा व्यवहार किया, अच्छा सत्कार किया, अच्छा उनकी बाणी थी व्यवहार, वो अच्छा देखे पूरे कुल खानदान को आप पवित्र का आगे बढ़ा देंगे, पूरे कुल खानदान के माता पिता का रोशन बना देंगे और उसके बाद पति देवता का होगा ही, ऐसा आप का कार्य रहेगा, ऐसा आप कार्य करेंगे तो पूरे समाज के पूरे परिवार का नाम रोशन बढ़ेगा, ऐसा आप स्वीकार करोगे तो देवता वाक्य है। पांचवा वाक्य स्वीकार है बिना तमाम भाव देखे, बिना गृहस्थ धर्म का पालन बिना पत्नी के नहीं हो सकता है,
ये जो गृहस्थ धर्म है पालन है जो है गृहस्थ है, बिना पत्नी के नहीं पालन हो सकता है, बिना पत्नी कोई कार्य नहीं हो सकता है। तुम मेरी धर्म पत्नी बनने जा रही हो, क्या आप धर्म पत्नी ही हो गई हो? ऐसा है कि तुम्हारे अलावा कोई कार्य नहीं दिखे, जन्म जन्मांतर तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा, और साथ निभाना बहुत बड़ी चीज है, तो उसको निभाइए, करिए और कार्य को आगे बढ़ाइए। हम दोनों मिल करके एक परिवार का नाम रोशन करेंगे, देश का विकास करेंगे, सारी ऐसी कार्य मन में सोच करके और देश का भी विकास होगा और अच्छा कर्म अच्छा रहेगा, अपना विकास नहीं, अपना विकास देश का भी विकास, कर्म अच्छा करेंगे तो देश का भी विकास होगा, ये बात नहीं है। देश देखिए अपने साथ दूसरों को भलाई के लिए, उसी से कार्य होगा, उसी से विकास होगा, उसी से फल प्राप्ति मिलेगी। कर्म ही पूजा है, आस्था ही पूजा है, आस्था जैसा ही करेंगे वैसा कार्य आगे बढ़ता रहेगा। अब ये नहीं कहे कि मन में हुआ चित उतर मन अभी अच्छी कम से कहीं भागता रहे, ऐसा नहीं हुई, ऐसा आप स्वीकार करोगे तो अपने बा मांग में ग्रहण करोगे। ये मतलब कि भर महोदय का पांचवा वर्ग है। ये धान इस हाथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब आप एक को देखते हैं और यहाँ पे वचनों को हाँ बोलते हैं, तो एक बोलिए कि हाँ हमने आपके वचनों को स्वीकार कर लिया। हाँ, जाइए ताली भाई। तो दूसरी जगह उसको उखाड़ करके लगाते हैं। ऐसे बिटिया का एक घर में जन्म होता है और दूसरे घर में फलती फूलती है। यहाँ जो धान लिया जाता है इसीलिए लिया जाता है क्योंकि ये साठी इसका नाम है, ये 60 दिन में भी होता है, 60 दिन में पक करके ये पूरा हो जाता है। ये धान ऐसा है, यहाँ गेहूँ भी रख सकते थे, चावल भी रख सकते थे, लेकिन धान इसीलिए रखा जाता है कि पहले इसको गर्म पानी में उबाला जाता है, गर्म पानी में उबालने के बाद गर्म कढ़ाई में इसको भुना जाता है, और भूनने के बाद फिर भी ये जो है इतना कष्ट पाने के बाद ये फिर भी खिलता है, यानी ऐसे चमकता हंसता है, और कभी कभार ये धान इस हाथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब आप एक को देखते हैं और यहाँ पे वचनों को हाँ बोलते हैं, तो एक बोलिए कि हाँ हमने आपके वचनों को स्वीकार कर लिया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो तिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
चक लगा के घूमूंगा तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना। जहाँ जहाँ साया तेरा जाए रहना वही सो जगह जगह देखे तुझे। चिट्टा कुकड़ बने रे ते
दुपट्टे वाले मुंडा सदर के तेरे तेरे।